देख परीक्षा काल, यानी कि स्वर्ण जैसी निर्जीव वस्तु है वो जब परीक्षा काल आने पर अपने आप जाती है और पानी बन जाती है यानी पिघल जाती है। तो हम मनुष्य तो सजीव हैं, भावनाएं लेते हुए हैं, लिए हुए हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पे खड़े होना, परीक्षा देना अपने आप में एक बड़ी कठिन चुनौती है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगी। टॉपिक पे आने के लिए मैं पहले एक आप लोगों के सामने बना रही हूँ, बताइए ना ये क्या है। हालांकि मैं इसके लिए पीपीटी बना के लाई थी लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ने अपने को साथ नहीं दिया। ये क्या है? रेक्टेंगल। और आयत। अगर हम इस आयत को किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी मान लें तो ये एक पूर्ण व्यक्तित्व होगा। पर जब ये आयत जो है, जब हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बहुत सारे अंग होते हैं, उन अंगों को यदि हम बांट देते हैं ए बी सी डी में, तो जब वो व्यक्ति अपने आप को देखता है, जैसे मैं आई, जब मैं अपने आप को देखूंगी तो मेरा देखने का डायरेक्शन टू डायमेंशनल होगा, और जब टू डायमेंशनल डायरेक्शन होगा तो मैं अपनी पर्सनैलिटी के सिर्फ दो ही अंग देख पा रही हूँ, एक ए और एक बी। और मान लो कोई दूसरे व्यक्ति हैं, आप लोग हैं, जैसे अदर पीपल, अदर पीपल जब मेरी पर्सनैलिटी को देखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में देखेंगे? इस डायरेक्शन में। तो मेरी पर्सनैलिटी का एक अंग जो मुझे भी दिख रहा है और जो अन्य लोगों को भी दिख रहा है, तो एक ये अंग जो है ये कॉमन है। बी और सी वाले अंग जो हैं ये एक एक व्यक्ति को दिख रहा है, मतलब बी वाला मैं देख पा रही हूँ और सी वाला अदर पीपल देख पा रहे हैं। पर पर्सनैलिटी को जब इम्प्रूव करना है तो हमें ये जो डी वाला अंग है जो किसी को नहीं दिख रहा है, ये हिडन है। पर्सनैलिटी का कौन सा भाग है? ये हिडन भाग। इस हिडन को निकालने के लिए ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से खुलें, मतलब मैं अपनी कुछ बातें अदर लोगों से शेयर करूं और अदर लोग कुछ मेरी बातें मुझसे शेयर करें। तो धीरे धीरे ये जो हिडन वाला पार्ट है ये ब्रॉड होते जाएगा और एक समय आएगा कि ये पूरी पर्सनैलिटी मैं भी जान पाऊंगी और अन्य लोग भी जान पाएंगे। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान वाली प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आरंभ हमें पूरी तरह से देखने को मिलती है कहे से, फीडबैक सिस्टम से। ये जो फीडबैक सिस्टम है ये व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से मैं अपने टॉपिक पे पहुंच गई हूँ कि एक व्यक्ति को पूर्ण बनने के लिए अन्य लोगों की सलाह की भी जरूरत होती है और उसकी स्वयं की जो मूलभूत अवधारणाएं रहती हैं उसकी वो भी शामिल होती हैं। तो व्यक्ति पूर्णता तब प्राप्त करता है जब वो स्वयं के अनुसार और अन्य के अनुसार भी अपने आप को डेवलप करे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं व्यक्तित्व के लिए फीडबैक की बात नहीं कर रही हूँ, फीडबैक कई स्थानों पर लिया जाता है, जैसे कि कार्य में, कार्य पूर्ण होता है या कार्य प्रोग्रेस पे चल रहा होता है उस समय भी हमें फीडबैक लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, इसमें एक अकेले के विचार मायने नहीं रखते, यहाँ पे सभी का संयुक्त मतलब रहता है। कई लोगों के विचार कुछ हमें मालूम होते हैं, कुछ नहीं मालूम होते हैं, जब हम दूसरों से प्राप्त करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे विस्तार पाते जाता है। तो फीडबैक सिस्टम पूर्णता को, एक्यूरेसी को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब दो तरीके से फीडबैक दिया जाता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष भी बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष फीडबैक, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे बारे में या मेरे कार्य के बारे में जो बात कहेंगे सीधे मुझ तक वो बात पहुंचेगी, डायरेक्ट मेरी कमियां और गुण मुझ तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहां पर उपलब्ध हैं। तो आप जैसे शासन को नीति बनाती है,
शासन की नीति सही है गलत है, लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं और क्या कमियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, उसके लिए शासन सर्वे करवाएगी। या आजकल गूगल फॉर्म आ गया है, गूगल फॉर्म से बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाता है। जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही है सारी ट्रेनिंग्स में आजकल हम लोगों को प्री फीडबैक और पोस्ट फीडबैक देना होता है, और यानी हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए बहुत अच्छे से इस फीडबैक सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो फीडबैक वो चीज़ है जो हमें ताकत देता है कि यदि हम सही रास्ते पर नहीं हैं तो उसमें सुधार ला सकें, और जो सुधार के लिए जानकारी हमें मिलती है लोगों से वह अमूल्य होती है। उस अमूल्य जानकारी का सदुपयोग करते हुए हम सजग या असजग रहते हुए जीवन में हर जगह फीडबैक लेते रहते हैं। पहला फीडबैक तो वही होता है जब हम घर से स्नान ध्यान करके निकलते हैं तो सबसे पहले जाके खड़े होते हैं आईने के सामने। आईना जो फीडबैक देता है वो बेस्ट फीडबैक होता है। वहाँ पे किसी की भावनाएं शामिल नहीं होती है कि सामने वाला देख रहे, अगर मैं उसको बुरा कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, यानी वो क्या सोचेगा, उसके मन में कैसी भावनाएं आएंगी। तो आईना जो हमको फीडबैक देता है अच्छी या बुरी दोनों तरीके से, हमें हमारे कार्य स्तर पर पहुँचने के लिए पहले वो हमें एक्यूरेट बना देता है, ताकि जब हम चार लोगों के सामने जाएं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएं। फीडबैक का महत्व ऐसा है कि यह व्यक्ति को या उसके कार्य को सही दिशा प्रदान करता है। व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर जा रहा होता है तो साथी लोग फीडबैक दे देते हैं, नहीं भैया यहाँ से मत जाना, यहाँ पे गड्ढा है, तुम्हें परेशानी हो सकती है, तो हम बचकर वहाँ से निकलते हैं। जरूरी नहीं है कि फीडबैक दूसरे लोग ही दें, कई बार हमारे पूर्व अनुभव भी हमें फीडबैक प्रदान करते हैं कि रेत के ऊपर से गाड़ी निकाल रहे हैं तो संभल जाएं, पहले स्लिप हो चुके हैं, तो वो जो फीडबैक हमको मिलता है वो हमारी अंतरात्मा हमें देती है उस समय। यदि हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि सही रास्ते पर हैं तो अपने सपनों को साकार करने के लिए और बेहतर कोशिश कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम अपने साथियों से फीडबैक लें। अब ये बात भी है कि जो फीडबैक हम साथियों से ले रहे हैं तो सही फीडबैक मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इसी राह पे चलते चलो। सही फीडबैक का मतलब हमारे गुण और दोष दोनों ही चीज़ें हमें मालूम होने चाहिए। वो अच्छा फीडबैक देना ये भी एक अपने आप में कला है। अच्छा फीडबैक कैसे दिया जाता है, हम लोगों को बीएड के दौरान एक माइक्रो टीचिंग का सेशन हुआ करता था, शायद सभी ने उस फेज से गुजरे हैं। तो माइक्रो टीचिंग 5 मिनट की होती थी और उस 5 मिनट में 40 बच्चों की जो क्लास रहती थी, उस 5 मिनट के लेसन प्लान में सभी कोई ना कोई टिप्पणी देते थे, और टिप्पणी देने के लिए पहले से बताया जाता था कि टिप्पणी ऐसा देना है कि व्यक्ति को क्रोध भी ना आए और उसमें सुधार भी हो जाए। तो फीडबैक हमेशा सैंडविच फॉर्म में दिया जाता है। सैंडविच फॉर्म में मतलब पहले सकारात्मक फीडबैक, फिर सुधारात्मक फीडबैक, और फिर उसके बाद पुनः सकारात्मक। तो सुधारात्मक फीडबैक जो है उसमें कुछ सुधार योग्य बिंदु या जो हमारी पर्सनैलिटी के नकारात्मक पॉइंट हैं वो उसमें रखे जाते हैं, उसके बाद फिर सकारात्मक रहता है। तो जो आगे और पीछे का बैकअप रहता है सकारात्मक का, वो व्यक्ति को किसी भी तरीके से बुरा लगने वाली स्थिति में नहीं पहुंचाता है। तो सही फीडबैक देना भी अपने आप में एक कला है, और उस फीडबैक को लेकर हम अपनी पर्सनैलिटी में सुधार कैसे कर रहे हैं वो भी अपने आप में महत्व रखता है। कल महिला वर्ल्ड कप मैच हुआ, उसमें भारत हार गया, तो भारत की कैप्टन को बुलाया गया कब, मैच खत्म होने के बाद जब ट्रॉफी वगैरह दी जाती है, मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाते हैं, तो उस समय भी आपने देखा होगा जीतने वाला भी और हारने वाला भी कैप्टन जो रहता है वो अपनी अपनी टीम की अच्छाइयों को या कमियों को वहाँ पर गिनाता है। तो वो जो कमियाँ रहती हैं वो अगले मैच में उनको सुधार के लिए अवसर प्रदान करती हैं, जो वो बोलते हैं, जो एनालाइज करते हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ स्वाभाविक रूप से उनको आगे ले जाने में सहायक होती हैं। अगली बात ये है कि सकारात्मक फीडबैक सुनने के
लेकिन नकारात्मक फीडबैक को पाने के लिए कोई भी लालायित नहीं रहता है। लेकिन कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन बूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखाए। यानी नकारात्मक फीडबैक, निंदा यदि कोई करता है हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में वो कमी होगी, तब उस बात पर निंदा हो रही है। और ऐसा बोलते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति कि जो भी बिंदु पर वह हमारी निंदा कर रहा है उसको सुधार लिया जाए, आगे से वह निंदा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अब अपने पर्सनालिटी में वो कमियां नज़र आएंगी ही नहीं। तो इसीलिए नकारात्मक फीडबैक देने वालों को हम ज़्यादा महत्व दें, वो हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए या हमारे कार्य को सही दिशा प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका नकारात्मक फीडबैक का बहुत अच्छा उदाहरण घर में ही देखने को मिलता है। जब बहू नई नई शादी होकर जाती है तो हर कोई उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करता है, खासकर भोजन बनाने की कला के ऊपर विशेष रूप से टिप्पणी की जाती है। रोटी वही बन रही है, कभी बोला जाएगा रोटी कच्ची है, कभी बोला जाएगा रोटी जला दी, कभी बोला जाएगा रोटी मोटी है, कभी बोला जाएगा ज़्यादा पतली बना दी। मतलब कहीं ना कहीं से वो जो कमियां निकलती हैं वो ये हमको एक एक्यूरेसी की ओर लेके जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी सकारात्मक रूप से लेते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और कभी यह नहीं है कि आज हम पूर्ण हो गए, अगर पूर्ण हो गए, संतुष्टि हमने हासिल कर ली, तो वो संतुष्टि हमको और आगे जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध कर देगी। संतुष्टि कभी भी प्राप्त ना करें, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें और फीडबैक लेते रहें। फीडबैक जो है वो आपको हमेशा सुधार की ओर अग्रसर करेगा। इसके साथ ही मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि फीडबैक हमेशा बेटरमेंट की ओर हमें बढ़ाता है। बेटरमेंट यानी बेहतरी की ओर। कभी भी इंडिविजुअल को किसी भी फीडबैक के लिए अच्छा मिल रहा हो या अगर नकारात्मक मिल रहा हो, उसको सकारात्मक रूप से ही लेकर अपने बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।